हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज मैं जो वीडियो दिखाने वाला हूँ वो है डॉक्टर कमर चीमा का, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि आज मोदी साहब जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है वो इटली गए हैं, उनके G7 समिट चल रही है इटली में, तो उनको बुलाया गया है उधर और उसकी वजह से वो गए उधर, और उनका फर्स्ट ये फॉरेन टूर रहेगा आफ्टर जस्ट जो इलेक्शंस हुए, इंडियन इलेक्शंस हुए उसके बाद। तो देखते हैं क्या कमर चीमा साहब क्या बात कर रहे हैं इसके बारे में, और इसके बारे में जो कुछ भी मेरी राय है वो मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो या बीच बीच में डालता रहूँ, देखते हैं क्या बोलते हैं। लोग ठीक होंगे दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो अपने पहले इंटरनेशनल ट्रिप जो कि G7 में है वहाँ पे निकल गए हैं, और ये आप ये समझें कि इंडिया G7 का मेंबर नहीं है लेकिन इंडिया को G7 बुलाया जाता है। और मज़े की बात यह है कि क्योंकि नरेंद्र मोदी G20 के मेंबर हैं, इंडिया G20 का मेंबर है, तो जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जारी की है इंडिया ने, उसमें उन्होंने कहा है कि जब मैं G20 समिट में 2021 में गया था, मतलब ये कि आप लोग भी G20 के लिए मेरे पास आए हो अगर मैं G7 पे आपके पास जा रहा हूँ। और अब वो कह रहे हैं कि जी हमारा बायलैटरल और मल्टीलैटरल एजेंडा जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट, और इंडिया इटली जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो बड़ी ज़बरदस्त है, और पर्टिकुलरली अब वो देखें इटली को किधर इंगेज कर रहे हैं। ये बड़ी देखें द वे इंडिया हैज़ गॉट गॉन ग्लोबल, इन चीज़ों से आप समझें। नरेंद्र मोदी ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि हम इंडो पैसिफिक में और मेडिट्रेनियन रीजन्स में कोलैबोरेट एंड कोऑपरेट कर रहे हैं। इटली का क्या लेना देना है इंडो पैसिफिक में, लेकिन क्योंकि एक ब्रॉडर वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं ऑन चाइनीज बैकयार्ड, तो वो इंडिया को यहाँ पे ले, वो इटली को यहाँ पे लेके आ रहे हैं। और इसी तरह मेडिट्रेनियन रीजन्स में बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया जो बात करता है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की बात करता है, तो वो समझते हैं कि हमें ज़रूरत है मेडिट्रेनियन में, क्योंकि जब वो ट्रेड रूट जिसने मुंबई से शुरू होके मिडल ईस्ट जाना है, मिडल ईस्ट से ट्रेन पे और गाड़ियों पे जाना है, फिर आगे उसने जो है वो जाके रेड सी से उतर के और उसने फिर मेडिट्रेनियन ओशन सी में जाना है एंड देन यूरोप में जाना है, तो उन्हें पता है कि यही ग्रीस और इटली ने हमारी मदद करनी है। आपको याद होगा थोड़ा अर्सा पहले ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे इंडिया में और बड़े लंबी चौड़ी बातें हुई और बड़ा कुछ हुआ। सो इन चीज़ों को थोड़ा समझें इस सेंस में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसका इंडिया हिस्सा है। सो जितनी भी ग्लोबल एक आउटरीच है या ग्लोबल एक कनेक्शन बिल्ड हो रहे हैं, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट कनेक्शन। ठीक है जी, अब होगा क्या? अब सुनने में तो ये आया कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनको भी इनवाइट किया गया था G7 के इजलास में, लेकिन वो नहीं जा रहे, वो कह रहे हैं हमारा हज सीजन है तो हम नहीं जा सकते।